जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप मैं आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 का एसएसटी का चैप्टर नंबर 2, जो है न्यू किंग्स एंड किंगडम। बहुत प्यारा चैप्टर है, जैसा आप लोगों को पहला चैप्टर लगा था। आई होप इससे ज़्यादा अच्छा ये वाला चैप्टर लगेगा। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। जो भी बच्चे देखो उसका लाइक ज़रूर करो और वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, और जो भी इसमें डाउट्स हैं उसमें कमेंट जाके कमेंट बॉक्स में उसको लिख भी दिया करो, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है, मैं उसके आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो चलो बच्चों, आते हैं, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर की बात, जो है आपका, ठीक है, जो है आपका न्यू किंग एंड किंगडम। ठीक है बच्चों, तो न्यू किंग एंड किंगडम की अगर बात करें हम, तो जनरली हम देखते हैं कि यार इसमें जनरली हमें बात करना है कि जो नए किंग बने, जो नए राजा बने उनके बारे में, और इनके थ्रू जो नए किंगडम बने उनके लिए, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करना है। स्पेशली दो टॉपिक के बारे में स्टडी करना है। एक हमें न्यू किंग के बारे में देखना है कि जो नए नए राजा बने वो, ठीक है, और दूसरी दूसरे क्या बने, दूसरे जो आपके नए किंगडम बने उनके बारे में डिस्कस करना है। बस जनरली हमें दो टॉपिक देखना है। चलो, तो अगर सबसे बड़ी बात पहले बात करते हैं इनके टाइमलाइन की बच्चों, तो टाइमलाइन की बात करें तो आप देख सकते हो ये जो 700 AD से ये टाइमलाइन स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 700 AD से टाइमलाइन स्टार्ट हुआ है। कहाँ से बच्चों? 700 AD से। 700 AD से कहाँ तक चला है? 1206 तक चला है। 1206 के बाद जो स्टैब्लिशन हो गया किसका? तुर्किस रूल का स्टैब्लिशन हो गया, तो उसके बाद ये चीज़ खत्म होती है। दूसरी चीज देखा जाए 700 से 900 तक, 700 से 900 तक हम देखा जाए बच्चों, 700 से 900, तो ये आपका जो 200 सालों का टाइम है, 200 ईयर का, जो आपका 200 ईयर्स का जो टाइम है बच्चों, इसमें क्या हुआ? इसमें काफी कुछ लॉजिक हुए, ठीक है। इसमें तीन ऐसे राज थे, ठीक है, तीन ऐसे डायनेस्टी बोल सकते हो, तीन ऐसे डायनेस्टी थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, किसी न किसी रीजन से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी। तो ये 200 साल अपने आप में लड़ते गए, जिसका फायदा किसने उठाया? जिसका फायदा उठाया राजपूतों ने। किसने उठाया? राजपूतों ने फायदा उठाया और इनको हरा के वहां पे अपना आ, आ, क्या कर लिया, अपना राज्य स्थापित कर लिया, मतलब अपना प्रभुत्व वहां पे स्थापित कर दिया। तो ये जो तीन थे ये कौन कौन से थे, ये भी बात है। तो चलो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है। तीन थे, ठीक, याद रखिएगा। तो साउथ में कौन है? राजपूत का, देखो राजपूत कहाँ पे थे? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में कौन थे राजपूत थे? जैसे आपका यहाँ से गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इसमें ये कौन थे? राजपूत थे। लेकिन ठीक उसी के जस्ट अपोजिट साइड में जो साउथ में थे वो चोलाज हुए। चोलाज भी अच्छे थे, साउथ में कौन? चोलाज हुए। उसके बाद 1000 से लेके 1026 तक के बीच में कौन आया? गजनी आया। कौन आया बच्चों? गजनी का इन्वेंशन हुआ, गजनी भारत आया। कहाँ से आया? अरब से आया, ठीक। तो अरब इन्वेंशन भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा क्या हुआ? बैटल ऑफ तराइन। 1991 और 1992 में बैटल ऑफ तराइन हुआ। बोला जाता है आफ्टर 1992, आफ्टर 1992 क्या हुआ? ये सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पे आता है 1992 का, इसी को बोला जाता है। देखो तराइन में दो वॉर हुए थे, तराइन में आपका दो बैटल हुआ था, एक 1991 का बैटल हुआ था, एक 1992 का बैटल हुआ था। तो दो बैटल हमने देखा था 1991 1992 में, दो बैटल थे। क्या थे बताऊंगा, सब डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। चलो आज डिस्कस करते हैं, बात करते हैं आपका एन आउटलाइन आउटलाइन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ 700 to 1200। तो 700 AD से 1200 AD तक की बात करें तो उसके बारे में देखते हैं वो चीजें क्या हैं। देखो बच्चे, एट द डेथ ऑफ, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली, जैसे ही हर्षवर्धन का डेथ हो गया, ठीक है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तो सब लोग क्या सोचे कि मैं तो फ्री हो गया, ठीक है, मैं क्या हो गया? फ्री हो गया। तो लोग छोटे छोटे पार्टीशन में बंटना स्टार्ट हो गए, छोटे छोटे किंगडम में बंटना स्टार्ट हो गए। यहीं पे आपके नए राजा बने, नए साम्राज्य बना, मतलब नए किंग बने, और जो किंग बने तो नॉर्मल सी बात है, उसको किंगडम चाहिए, तो नए नए किंगडम भी बने स्टार्ट हो गए। तो ये सारे प्रोसेस इसी टाइम में हुआ था। और आगे इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कब इनकी डेथ हुई थी भैया? ये हुई थी 647 AD में हुआ था। इसको याद रखना, क्या हुआ? नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम कम्स अप इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में छोटे छोटे राज्य बनना स्टार्ट हो गए। दीज वर मोस्टली बीइंग गवर्न बाय द रूलर हु हैड अर्लियर बीन बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ। मतलब क्या था? अब जो सल्तनत, जो किंग बन रहे थे वो किंग एक्चुअली थे नहीं, वो क्या थे? जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे। देखो कह रहे हैं ना कि बिग लैंडलॉर्ड या फिर
जो किसी सेना के सिपाही थे या फिर वॉरियर थे, वॉरियर चीफ थे, जिनको बोला जाता था सामंत, क्या बोला जाता था बच्चों, सामंत बोला जाता था, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया अपना थिंग। अभी कहते हैं दीज सामंत अंडर द किंग हैड फॉट द वॉर्स अगेंस्ट द किंग्स इन मीज इन द पास्ट। ये वही सामंत होते थे जो किंग के अंदर रह के अपने किंग के एनिमी से फाइट करते थे, ठीक है। अब क्या हो गए, ये खुद के एक राजा हो गए, ठीक है। आगे देखो, कुछ और भी बने, जैसे आपके कुछ और भी हुए, मराठा के नाम से मराठा हो गया, सिख हो गया, जाट हो गया, अहोम हो गया, कश्यप हो गए, ये अलग अलग अपनी कम्युनिटी बनाना स्टार्ट कर दिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट बच्चे आया था, जिसके बारे में भी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, कि मैंने बोला था मैं बाद में बताऊंगा बच्चे, ये त्रिपार्टी स्ट्रगल है। त्रिपार्टी स्ट्रगल मतलब समझ रहे हो, थ्री, थ्री मतलब हो गए तीन, क्या हो गए, थ्री हो गया, पार्टीज मतलब तीन भागों, तीन लोगों का जो एक समूह कहलाता है वो त्रिपार्टी कहलाता है, और इनमें स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल मतलब वॉर की बात हो रही है, युद्ध की बात हो रही है इनमें, ठीक है, ये कहलाएगा त्रिपार्टी स्ट्रगल कहलाएगा। इसमें क्या होता है, तीन ऐसे राजा थे, तीन ऐसे डायनेस्टी, सोचो राजा की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि राजा छोटा वर्ड हो जाएगा, डायनेस्टी, तीन ऐसे डायनेस्टी थे जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे, कोई काम धंधा नहीं था इनके पास, केवल एक दूसरे से लड़ाई करते थे। कौन कौन थे भाई, ये थे थ्री मेजर न्यू किंगडम द राष्ट्रकूट। पहला तो था आपका क्या बच्चों, राष्ट्रकूट था, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ ज्यादा आपको समझ में आएगा। पहला क्या था बच्चों, आपका राष्ट्रकूट था। दूसरा क्या था, ये राष्ट्रकूट कहाँ पे थे, डेक्कन में थे, डेक्कन मतलब आपका साउथ वाला पार्ट डेक्कन होता है, ठीक है। दूसरा गुज्जर प्रतिहार, ये कहाँ पे थे, गुजरात में थे। और एक और आता है कौन भाई, पाल, ये पाल कहाँ पे थे, ये बंगाल में थे। तो तीन चीज मिला, कौन कौन से मिला, एक आपका मिला राष्ट्रकूट, दूसरा गुज्जर प्रतिहार और तीसरा पाल, ठीक। जो राष्ट्रकूट थे वो कहाँ पे थे, डेक्कन में थे। दूसरा जो गुज्जर प्रतिहार थे वो कहाँ पे थे, वो गुजरात और राजस्थान दो जगह मिलते हैं, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है, दो जगह मिलते हैं। और पाल कहाँ मिलते हैं, पश्चिम बंगाल, जो अभी का पश्चिम बंगाल, पहले बांग्लादेश वो बंगाल था, बंगाल में आपका बांग्लादेश भी इंक्लूड था, याद रखिएगा, ठीक है, बांग्लादेश और आपका म्यांमार पहले सब इंक्लूड था, वो तो बाद में अलग हो गया, ठीक है। मैंने बोला ना कि 700 से लेके 900 तक इनके बीच में वॉर चलता रहा, 700 से कब तक बच्चों, 900 तक इनके बीच में वॉर चलता रहा। और ये 200 साल, कितने 200 साल, देखो यहाँ कह रहे हैं नेक्स्ट 200 ईयर्स, ये क्या हो गए, वीक हो गए, आपस में लड़ते रहते क्या हो गए, कमजोर हो गए। और नॉर्मल सी बात, इसका फायदा किसने उठा लिया, दूसरे ने उठा लिया, कौन उठाया भाई, राजपूत ने उठाया। अब सबसे बड़ी बात कि सर अगर इनके बीच लड़ाई होती थी तो क्या रीजन था इनके बीच लड़ाई होने का, तो देखो मेरे बच्चे, द मेन रीजन ऑफ द बैटल अमंग दीज पावर्स वर फॉलो, क्या क्या थे भाई, ऑल द थ्री डायनेस्टी ट्राई टू कंट्रोल हर्स कैपिटल सिटी कन्नौज। तीनों क्या चाहते थे, कन्नौज को अपने अंडर में ले आना, कि कन्नौज की शासन जो व्यवस्था है वो हम चलाएंगे, ठीक है, ये सबसे बड़ा चीज था। अब कन्नौज पे लोग ज्यादा शासन क्यों करना चाहते थे, क्या रीजन था कन्नौज पे, तो देखो बच्चे, दिस सिटी वॉज आइडियली सिचुएटेड नियर द बैंक ऑफ रिवर गंगा टू प्रोवाइड इट विद अ गुड कम्युनिकेशन लिंक विद अदर टेरिटरीज एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री सिक्योरिटी ऑफ द हिल्स, ठीक है। यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा आना चाहते थे कि, और इसको कंट्रोल करना चाहते थे। और क्या हो मेरे बच्चों, और क्या था भाई, एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा था, क्यों, क्योंकि बैंक ऑफ रिवर पे स्थित है, गंगा किनारे स्थित है, भाई गंगा किनारे स्थित होने का मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे फर्टिलाइज लैंड आपको मिलेगी, जहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो, कैसी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो टैक्सेस बहुत आपको मिलते थे, ठीक है, टैक्सेस क्या होते थे, बहुत मिलते थे। और क्या था, ये था प्रतिहार, ठीक है, एंड राजकूट ट्राई टू कंट्रोल मालवा एंड गुजरात। अब ये जो प्रतिहार और राजकूट, इनकी अलग खिचड़ी बन रही थी, भैया हमें क्या चाहिए, हमें मालवा और गुजरात चाहिए, ठीक है। अब देखो मालवा की और गुजरात क्यों चाहिए, देखो गुजरात क्या है, कोस्टल एरिया है, गुजरात क्या है, कोस्टल एरिया है, मतलब अगर आपको कोई आपका सामान किसी विदेश में भेजना है तो हम किससे भेजें, पहले तो एरोप्लेन था नहीं, ट्रेन थी नहीं, क्या था हमारे पास, केवल सी रूट था, तो हम सी रूट का यूज करते थे। तो सी रूट कहाँ था, अगर आप इस मैप में देखो मेरे बच्चे, इस मैप में देखो तो ये आपका ये जो एरिया है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया, ये कोस्टल एरिया कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ही क्या होती थी, यहाँ से ही आपकी यात्रा होती थी और सारी चीजों को
देश से विदेशों में भेजा जाता था। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया है ये गुर्जर प्रतिहार का एरिया है, ये वाला एरिया दिख रहे जो आप, ये क्या गुर्जर प्रतिहार का है, यहाँ पे गुजरात और राजस्थान दोनों आते हैं। ये जो आप देख रहे हो पाल्स, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का एरिया, ये जो एरिया आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल का है, पहले ये पूरा पश्चिम बंगाल में ही होता था, मतलब इसको बोला जाता था बंगाल, क्या बोला जाता था बंगाल। जब विभाजन हुआ तो ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, पाकिस्तान, और ये जो एरिया हो गया ये हो गया ये बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। इसको हम लोग बोल दिए नॉर्थ बेंग वेस्ट बंगाल, और इसको बोल दिया नॉर्थ बंगाल, और नॉर्थ बंगाल क्या हो गया, नॉर्थ बंगाल आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक है, चलिए, और ये रहे आपके राष्ट्रकूट, यहाँ पे ये दक्कन, ये जो एरिया है ये दक्कन का एरिया बोला जाता है, ये दक्कन का पठार इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, दक्कन प्लेट्यू। आगे देखो भाई, अब क्या हुआ, बाय द 10th सेंचुरी AD, 10th सेंचुरी AD तक दीज किंग्स डिक्लाइन, ये सारे किंग क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगे। क्यों डिक्लाइन होने लगे, क्योंकि भाई ये आपस में लड़ते लड़ते क्या हुआ, इनकी पावर को खत्म हो गई, इनकी पावर खत्म हो गई। और देखो क्या हुआ, राष्ट्रकूट वॉर ओवर थ्रोन बाई द लेटर चालुक्या, चालुक्या ने राजकूट को उठा के फेंक दिया, बिल्कुल फेंक दिया। उसके बाद पाल्स बाय द सेन, पाल को किसने किया भाई, सेन ने एकदम बाहर कर दिया। और गुज्जर प्रतिहार को किसने किया, न्यू प्रतिहार ने कर दिया। ठीक है, आगे कौन आया भाई अगला स्टेट, अगला स्टेट आता है राजपूत का, किसका, राजपूत का। अब देखो राजपूतों ने कैसे शासन किया भाई, देखो राजपूत का नाम आता है तो मोच पे तो ऐसे ताव आ जाता है, बिल्कुल मोच आपके खड़े हो जाते हैं, भाई राजपूत राजपूत थे, लेकिन की सच्चाई क्या है, क्या राजपूत वाकई भारत से आए हुए थे या फिर राजपूत कहीं विदेश से आए थे, तो बहुत सी चीजें हैं, समझते हैं इसको। देखो अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर डेवलपमेंट ऑफ द पोएट इन अराउंड द 9th एंड 10th सेंचुरी इन सेवरल किंगडम्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, द रूलर कॉल्ड देमसेल्फ द राजपूत आर राजपूत, दे क्लेम्ड देयर डिसेंट फ्रॉम द सन एंड मून, जो सन और मून के वंशज कहे जाने लगे। ठीक है, द हिस्टोरियन बिलीव दैट दीज रूलर्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक सिक्स खुशान एंड हुंड हु केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आउटसाइड इंडिया इंडिया एंड द गुज्जर्स एंड गॉन्ड्स विच वर इंडियन फॉरेस्ट ट्राइब्स। मतलब ये इनके बोला गया कि ये इंडिया के नहीं थे, ये जनरली क्या थे, ये जो ट्राइब्स थे, ठीक है, जैसे शक्स हो गया, कुशान हो गया, हुंड हो गया, ये यही ट्राइब्स अपने आप को क्या कहने लगे कि भाई मैं क्या हूं, मैं राजपूत हूं। ठीक है, क्या हुआ भाई, देखो इन्होंने अपना नाम क्या रखना स्टार्ट कर दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इन्होंने अपना नाम क्या रखा, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अपना नाम रखना स्टार्ट कर दिया। दे वर असाइंड इन द इंडियन वॉर सिस्टम वर्ना सिस्टम एज क्षत्रिय एज दे वर वॉरियर एंड ऑक्यूएंस। देखो इन्होंने इंडियन की जो इंडिया में वर्ण सिस्टम है जिसको बोला जाता है ना, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ये वर्ण सिस्टम है इंडिया का, ठीक है, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, और अपने आप को खुद क्या कहने लगा, छत्री कहने लगा, अपने आप को क्या कहने लगा, छत्री कहने लगा। ठीक है, द प्रतिहास वर द फर्स्ट टू अक्योर द राजपूत स्टेट, जो प्रतिहार थे वो ही क्या थे, राजपूत थे। ठीक, आगे देखो, देखो जैसे यहाँ पे है, सम राजपूत क्लेम दियर डेक्कन फ्रॉम एनिकुला अग्निकुला, ठीक है, एंड द फैमिली स्टार्टेड बाय द मैजिकल फिगर दैट अक्रॉस द सेक्रिफिकल फायर पिट नियर माउंट अबू इन राजस्थान। ठीक, द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम दैट अक्रॉस द फ्रॉम द रूइंस फ्रॉम द ओल्डर प्रतिहार किंगडम वर, कौन कौन से, पहला आपका था, फर्स्ट आपका था द चंदेल्स, ठीक है, कहाँ के, बुंदेलखंड के, ये भी राजपूत ही थे। ठीक है, दूसरा क्या था, चौहान फ्रॉम दियर सेंटर ऑफ द सकंबरी एंड साउथेन ऑफ दिल्ली, चौहान आपको पता है। ठीक है, दूसरा सोलंकी हुए, कहाँ के, गुजरात एंड कथीवारा के। फिर क्या हुए, लास्ट में परमार्स हुए, स्टैब्लिश दियर कंट्रोल इन मालवा विद द कैपिटल ऑफ द धार नियर इंदौर। ठीक है, तो ये चार मेन हुए, कौन कौन से, चंदेल हुए, चौहान हुए, सोलंकी हुए और परमार, याद रखिएगा चारों, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। चलिए, ये तो हो गया भाई किसका, ये तो इन्विलिजन हो गया, इन्वेंशन हो गया किसका भाई, इन्वेंशन हुआ राजपूतों का। दूसरा इन्वेंशन आता है अरब का, अरब इन्वेंशन, तो
तो मैंने जैसे बताया था क्या हुआ भाई, देखो द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया सबॉर्डिनेट टू बिकम अ टारगेट ऑफ मुस्लिम इन्वेंशन वॉज सिंध। सिंध को इन लोगों ने टारगेट बनाया। क्या रीजन था सिंध को टारगेट बनाने का? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंध को टारगेट बनाने का सबसे अच्छा रीजन ये था कि सबसे नजदीक में जो है, ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये इंडिया का बॉर्डर है, ठीक है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो यही एरिया तो सिंध कहलाता है, यही एरिया तो क्या सिंध है। और पहले तो, अब तो ये भारत आजाद होने के बाद का सिंध है, भारत के आजाद होने से पहले ये जो पाकिस्तान का एरिया था इसी में इंक्लूड था। तो नॉर्मल सी बात है, जब अरब से आपके ये आते थे तो सबसे पहले पाकिस्तान में आते थे, पाकिस्तान के बाद यहाँ सिंध में आते थे, तो सिंध सबसे नजदीक पड़ता था, इसीलिए इस एरिया को ये लोग ज्यादा ऑक्यूपाइड करते थे। बस यही रीजन है बच्चों, ठीक है। देखो क्या हुआ, द न्यू रिलीजन ऑफ इस्लाम हैड इमर्ज इन द 7th सेंचुरी AD इन अरेबिया। ठीक है, आते हैं सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पे। द इंडियन प्रोविजन ऑफ सिंध वॉज अटैक बाय मोहम्मद बिन कासिम। देखो इंडिया पे सबसे पहले अटैक किसने किया? अटैक्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया वन ऑफ द कैपेबल अरब जनरल्स ऑफ द उमेदिया खलीफा इन 712 AD बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस क्रिएटेड बाय द पायरेट्स ऑफ थाला रीगन ऑफ सिंध। हुआ क्या था, समझो मेरी बात। हुआ क्या, जब 711 में मोहम्मद बिन कासिम जा रहा था कहीं, तो यहाँ जो पायरेट्स मतलब समझ रहे हो, जो लुटेरे थे कहाँ के, सिंध के, उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम पे हमला कर दिया, धावा बोल दिया, अटैक बोल दिया, और मोहम्मद बिन कासिम के पास जितना रुपया पैसा था उसमें से मैक्सिमम उसको लूट लिया। मोहम्मद कासिम ने उस समय तो कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं बेटा, लूट लो जितना लूटना है लूट लो। उन लोगों ने उस समय जम के लूटपाट की। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में रिटर्न हुआ, और जब ये रिटर्न हुआ ना, तो ये जो पायरेट्स ऑफ थाला थे, रीगन ऑफ सिंध, सिंध के जो पायरेट्स थे, इनको दौड़ा के मारा, और यही रीजन था वो यहाँ पे आया। ठीक है, दे हैड अप्रिसिएटली लोकेटेड द ट्रेजरमेंट ऑफ द खलीफा, द रूलर ऑफ सिंध। उस समय सिंध का रूलर कौन था भाई, दाहिर था। कौन था? दाहिर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड हेंस द अरब्स अटैक। मोहम्मद बिन कासिम द अरब जनरल डिफीटेड दाहिर हु फॉट बैक ब्रेवरी। मुल्तान वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड इन 713 AD, यानी उस समय क्या हुआ, 713 AD में मुल्तान को भी क्या किया, कैप्चर कर लिया। आगे देखो बच्चे, इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। भाई ये जो शख्स आपको दिख रहा है ना, इसका इन्वेंशन भाई देखो बड़ा अच्छा शख्स, क्या अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हिस्ट्री में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे लिए। द गजनी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड एट गजनी लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ अफगान माउंटेन। बड़ा अच्छा वर्ड है, समझना क्या कह रहा है भाई। ये जो गजनी शहर थी, ठीक है, जो गजनी डायनेस्टी थी वो कहाँ पे लोकेटेड थी, ये हर्ट ऑफ अफगान माउंटेन, अफगान माउंटेन के हर्ट में थी, बाय अ स्लेव सोल्जर अलफगीन। और इसको बनाया किसने था, एक स्लेव सोल्जर था, मतलब स्लेव मतलब समझ रहे हो, दास, जिसको पैसे से खरीद लिया जाता है, ठीक है, नौकर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सोल्जर था अलफगीन, उसने किया। हिज सक्सेसर एंड सन इन लॉ, सक्सेसर मतलब समझ रहे हो, उसको हटने के बाद जो बनेगा वो सक्सेसर, जो क्या था उसका सन इन लॉ था, सुबतगीन एक्सटेंडेड हिज रूल ओवर पेशावर एंड पार्ट ऑफ कोरशान। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इन्वेड काबुल। काबुल पहले इंडिया में था, याद रखिएगा, काबुल, फॉर कैप्चर इंडियाज फेबल वेल्थ। वेल्थ मतलब पैसा लूटने के लिए आया था, शासन करने के लिए नहीं आया था, याद रखिएगा। ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी द सन ऑफ सुबतगीन रूल्ड गजनी फॉर मोर देन 37 ईयर एंड इन्वेटेड इंडिया सेवरल टाइम्स स्लोली टू प्लंडर विथ इट्स वेल्थ। हिज ऑब्जेक्टिव वॉज टू अमास ह्यूज वेल्थ सो दैट ही कुड एक्सटेंड एंड कंसिडर हिज किंगडम एंड अथॉरिटी।
मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया आने का, वो केवल और केवल ये था कि यहाँ से वो ढेर सारा पैसा उठा के अपने किंगडम ले जाए और वहां की सारी व्यवस्था को अच्छा से करे, ठीक है, मेन इसका ये था। इसने शासन के उद्देश्य से नहीं आया, तो पहला जो इन्वेंशन हुआ था वो केवल केवल पैसे लूटने के लिए हुआ था, ठीक है। मोहम्मद वाज डीपली रिगन मैन बट ऑल्सो अ प्रैक्टिकल इंपीरियल्स। इन 1977 AD he received the investiture from the Khalifa, recognized his power of the rigor. The investiture provide his spiritual section of his fluttering right into India. He invaded India partially every year from 2001 to 2016 26 sorry 1001 to 1026 AD near at least a single battle, lost a single battle, मतलब एक भी battle नहीं हारा और 1001 से लेके 1026 तक वो continue भारत आता रहा। और ये total कितनी बार आया था पूछा जाता है, how many times, तो बच्चे ये total 17 times भारत आया था। कितनी times? 17 times भारत आया था, ठीक है। आगे देखो, sorry, ठीक है, एक चीज है, fact देखते हैं, डू यू नो में फैक्ट है। मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद कैरिड अवे बाई यूज ऑफ क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी एट गजनी। ही ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड टू अ स्कॉलर नेम अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द अरेबियन वर्क नोन एज द किताब अल हिंद रिमेन इन द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरी। देखो ये जो किताब उल हिंद था, किताब अल हिंद, इसको किसने लिखा? इसको लिखा अल बरूनी ने। किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा, जो क्या था, एक अरेबियन स्कॉलर था, ठीक है, उसने लिखा। उसने इसके बारे, ये इंडिया के बारे में लिखता है कि इंडिया उस समय कैसा था और कैसा नहीं। दूसरा भाई आते हैं मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के इंडिया आने का जो मेन एम था वो यहाँ पे अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरा आया था, ठीक है। अब प्रचार प्रसार कैसे, नहीं हाथ जोड़ के नहीं करने वाला था भाई, ये तलवार के जोर पे अपना प्रचार प्रसार कराने वाला था कि अगर आप मुस्लिम हैं तब तो ठीक है, अगर मुस्लिम नहीं है तो आपको मार दिया जाएगा। बहुत कत्लेआम हुआ था, बहुत ज्यादा। देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी हिज एम्पायर ब्रोक अप ड्यू टू lack of capable successor। मतलब क्या हो, जैसे मोहम्मद गजनी की डेथ हुई तो उसका एम्पायर छोटे छोटे भागों में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि कोई मजबूत राजा नहीं था उसको पकड़ने के लिए, उसको संभालने के लिए। द इंडिपेंडेंट किंगडम दैट इमर्ज आफ्टर दैट इन दैट एरिया इंक्लूडेड द किंग ऑफ गौर, ठीक है। इट रोज एट अ पावरफुल इंटायर अंडर द ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ टू ब्रदर्स। फर्स्ट क्या था? ग्यासुद्दीन, एंड दूसरा क्या था? मोहम्मद गौरी। तो एक एक किंगडम जो काफी शक्तिशाली बन के उभरा वो कौन था? वो गुर था, ठीक है, GHUR गुर था, ठीक है, जिसको और भी किसी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस ये जो कंट्री, ये जो किंगडम स्टैब्लिश हुआ वो दो ब्रदर के वजह से हुआ। कौन कौन? एक ग्यासुद्दीन और दूसरा मोहम्मद गौरी। ग्यासुद्दीन और मोहम्मद गौरी, इन लोगों ने बनाया। मोहम्मद गौरी द यंगर वाज गिवन द कंट्रोल ऑफ गजनी एंड इट्स डिपेंड्स प्रिंसिपलिटीज इंक्लूडिंग काबुल। फिर क्या हुआ, यानी मोहम्मद गौरी ने अपने बड़े भाई को दे दिया कि भाई आप ये ले लो, ठीक है, यहां गजनी का संभालो, मैं बाकी चीज देख लूंगा। फिर वहां देखो क्या हुआ, ठीक है। मोहम्मद गौरी was inscribed by the legend of Muhammad's glorious victory and the capture of great wealth in India. He was also an orthodox Sunni Muslim who really wanted to establish Islam secure in India. समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, जो पहला अरेबिक था उसने केवल और केवल यहाँ पे पैसे लूटने के लिए आया था, अपना राजस्व स्थापित करने के लिए नहीं आया था। लेकिन जब ये आया, मोहम्मद गौरी आया, तो मोहम्मद गौरी यहाँ अपने शासन को बढ़ाने आया। बिटवीन द ईयर ऑफ 1175 to 1179 AD ही अटैक्ड एंड कैप्चर द ओल्ड मुस्लिम कॉलोनीज ऑफ सिंध एंड मुल्तान। अनएक्सपेक्टेड पेशावर एंड रिवेज
लाहौर इन पंजाब टू रिच टू टीच अ लेसन टू खुसरो मलिक हु हैड बीन कंटिन्यूसली रेजिडेंस हिम। यानी किसको? वे खुसरो मलिक को सबक सिखाने के लिए इसने क्या किया, पेशावर को भी, लाहौर और पेशावर को भी अपने अंडर में ले लिया। देखो, इन 1118 AD मोहम्मद गौरी बिसाइड्स द फोर्ट ऑफ श्री हिंद इट पिटेड हिम अगेंस्ट द राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान हु रूल्ड द टेरिटरी ऑफ अजमेर टू दिल्ली। मतलब क्या हुआ, अब इसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से। किसका? पृथ्वीराज चौहान से सामना हुआ मोहम्मद गौरी का। और उस समय जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में जो एरिया आता था वो पूरा कहाँ का था, अजमेर से लेके दिल्ली तक था। बच्चों देखो, द चौहान रूल प्रूव्ड टू बी गौरी मोस्ट फॉर्मेबल इन मी। ये चौहान और गौरी एक दूसरे के भाई समझ लो इतने बड़े दुश्मन थे जैसे बिल्ली और डॉग होते हैं, ठीक है, जो डॉग और कैट्स होते हैं बिल्कुल वैसे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके बीच में दो लड़ाइयां हुई, बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई। पहला जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ, जिसको बोला गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ये हुआ इवेंट 1191 में हुआ ये पहला बैटल। इस बैटल में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था, बिटवीन हुआ था बच्चे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बोलते हैं। मोहम्मद गौरी गेट अ टेस्ट ऑफ द राजपूत वॉरियर, बड़ा अच्छा वर्ड बोला यार, ठीक है, कि राजपूत वॉरियर का एक टेस्ट इनको मिला कि भाई राजपूत की पावर क्या होती है। हिज पावरफुल आर्मी वॉज रूल्ड एंड हिज हिमसेल्फ वॉज बैडली वंडर्ड, बहुत बुरी तरह हराया। किसको? मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराया। लेकिन मोहम्मद गौरी एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, वो हार नहीं माना बच्चे। एक साल बाद फिर से द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। एक साल बाद क्या हुआ, द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ। कब हुआ? 1192 में हुआ, ठीक है, 1192 में हुआ। जब 1192 में जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ तो इसमें क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, सुल्तान जो आपका था पृथ्वीराज चौहान वो हार गया, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर मोहम्मद गौरी अगेन ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन न्यू लाइंस एंड अटैक द चौहान्स रूल्स आफ्टर केयरफुल प्रिपरेशन अप्लाइंग द सोक टैक्टिक्स। मोहम्मद सराउंडेड द राजपूत आर्मी फ्रॉम ऑल साइड एंड स्टार्टेड द राजपूत रेजिस्टेंस। पृथ्वीराज चौहान वॉज कैप्टर एंड किल्ड। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और उसे काबुल ले गए और काबुल में मार दिया गया। अब पृथ्वीराज चौहान का जो कब्र है बच्चे, ये काबुल में मिलता है आपको, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, काबुल में जो मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी की कब्र उसके अंदर बनी हुई है, उसके बाहर जैसे मंदिर में मस्जिद जो बनता है, इनका मकबरा बनता है, मकबरे में इनकी कब्र बनी है मोहम्मद गौरी की, उसी के बाहर पृथ्वीराज चौहान की भी कब्र बनी हुई है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं इसको आपको बता देता हूँ क्या है। देर आर मेनी इंटरेस्टिंग फोल्क लवर करकिंग पृथ्वीराज चौहान, हिज कोर्ट पोएट चंद्रबरदाई हैज डिस्क्राइब हिज हीरोपिक डीप्स एंड ब्रेवरी इन द वॉर्स एज वेल एज हिज रोमांटिक एंड एडवेंचर मैरिज टू संयुक्ता जयचंद डॉटर्स ऑन हिज बुज पृथ्वीराज रासो। समझो इसका मतलब कि पृथ्वीराज चौहान क्या था, बहुत ही लोगों को पसंद करता था, मतलब पोएट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो इसने अपने दरबार में एक व्यक्ति रखा था जिसका नाम क्या था, चंद्रबरदाई। क्या नाम था इनका? चंद्रबरदाई। यहाँ पे आप देख सकते हो पोएट क्या था, चंद्रबरदाई। इन चंद्रबरदाई ने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो, जिसमें इन्होंने इनके ब्रेवरी के बारे में बताया था कि ये पृथ्वीराज चौहान कितने ब्रेवर हैं, कितने स्मार्ट हैं, और इनके रोमांटिक मैरिज के बारे में बताया था कि इनकी जो मैरिज हुई थी वो संयुक्ता से हुई थी, जो कौन थी, जो जयचंद की डॉटर थी। अब जयचंद कौन था आगे बताऊंगा, ठीक है। देखो, इन 1194 मोहम्मद डिफीटेड जयचंद,
ठीक है, क्या हुआ, मोहम्मद ने किसको डिफेंड कर दिया, जयचंद को डिफेंड कर दिया। अभी जयचंद के बारे में बात हुई थी, ठीक है, जो क्या था, द घाट वाला रूलर, द घाट वाला रूलर ऑफ द कन्नौज हु हैड चूजन टू रिमेन आउट ऑफ द राजपूत कॉन्फिडेंस ऑफ पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, बयाना एंड ग्वालियर, बयाना एंड ग्वालियर वर द ऑल्सो कैप्चर द नेक्स्ट ईयर, अगले साल इन दोनों को भी कैप्चर कर लिया। टू कैपिटल स्लेव जनरल्स अब मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी कंप्लीटेड द इंडिया कॉन्क्वेरेंस ऑफ मोहम्मद बाय रीचिंग ऑफ द बिहार एंड बंगाल। तो इसके दो और स्लेव थे, कौन कौन से, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी, जो क्या किए, बाकी जो इंडिया बचे थे उसको कैप्चर किया, बिहार और बंगाल तक किया। ठीक है, मोहम्मद वॉज किल्ड इन 1205 AD। ठीक है, बड़ी अच्छी सी स्टोरी है इसके बारे में, मोहम्मद गौरी वॉज किल्ड इन 1205 AD, और इसको मारा किसने था बच्चे, देखो, वाइल सप्रेसिंग द रिवॉल्ट ऑफ खोखर ऑफ पंजाब, लीविंग हिज इंडियन एम्पायर इन द हैंड ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। हाउएवर हिज विक्ट्रीज इन इंडिया लेट डाउन ऑफ फॉर फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया व्हेन ऐबक फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत इन 1206 AD। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा, तो इसने अपने जो स्लेव बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसने एक नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी, जिसको बोला जाता है दिल्ली सल्तनत। और बच्चे यही मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक स्लेव था, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक स्लेव था, मतलब एक मजदूर था। तो इसीलिए ये जो डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की जो डायनेस्टी है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। क्या बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। ठीक है, आगे आओ, चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा चोलास के बारे में बात कर लेते हैं। द चोला एम्पायर इन द साउथ 9th to 12th century। अभी देखो 1206 तक आ गया, वहां पर स्टार्ट हो गया दिल्ली सल्तनत, मतलब ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब यानी नॉर्थ इंडिया का पोर्शन खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया के पोर्शन के बारे में। तो देखिए बच्चों, द चोलास डायनेस्टी रोज इन प्रोमिनेंस व्हेन इन 850 AD इज फाउंडर विजयालया ऑफ उरायूर डिफीट्स द पालवाज एंड स्नैच तंजोर फ्रॉम देम। देखो अब साउथ की बात करें, साउथ में थोड़े से वर्ड बड़े टिपिकल होते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बहुत इनको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन आप लोग समझिएगा, चीजें तो लिखी हुई है। ठीक है, तंजोर वॉज द मेड वॉज दे मेड द कैपिटल ऑफ चोलास। तंजोर को क्या बनाया गया भाई, कैपिटल बनाया किसका, चोलास का कैपिटल बनाया गया। By the end of the 9th century, the Cholas were able to defeat the Pandyas too. यानी पांड्यास को भी इन लोगों ने हरा दिया, bringing the southern Tamil country under this control. मतलब अगर चोलास की बात की जाए तो बच्चे ये जो एरिया था ये पूरा चोलास के अंडर में था, ठीक है, जिसमें ये जो कुछ चालुक्य हैं, कर्तिकेज हैं, ये आपके चेर्स हैं, ये आपके पांड्यास हैं, ये आपके चोलास हैं, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एरिया इसमें कवर आ जाता है। आगे देखो क्या हुआ, द राजकूट किंग थर्ड डिफीट द चोलास किंग एंड एनेक्स द नॉर्थन पार्ट ऑफ द चोलास एम्पायर। दिस वॉज अ सीरियस सेटबैक फॉर द चोलास, बट देर रैपिडली रिकवर्ड, पार्टिकुलरली आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णा थर्ड इन 965 AD एंड डिक्लाइन द राष्ट्रकूट एम्पायर। हुआ क्या, एक राष्ट्रकूट एम्पायर आए, तो राष्ट्रकूट मेरे बच्चों देखोगे आपको यहीं कहीं छोटा सा राष्ट्रकूट मिलेगा, इसी साउथ में, यहाँ पे भी विजिबल नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रकूट क्या हुआ, राष्ट्रकूट में एक बहुत ही प्रतापी राजा आया, तो बहुत पावरफुल राजा है, कृष्णा थर्ड आया। उसने क्या किया, उसने डिफीट किया चोला किंग को, बट जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, जैसे वो डच करता है, चोलास फिर से अपनी पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं, ठीक है, सब कुछ अपने पास ऑक्योर कर लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोलास रूलर वॉज राजराजा फर्स्ट आर राजराजा द ग्रेट ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। इसके कई नाम थे, ठीक है, राजराजा फर्स्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको राजराजा द ग्रेट एंड राजेंद्र फर्स्ट।
इनको अलग अलग नाम से बोले थे, ठीक है। राज राजा डिफीटेड द ईस्टर्न चालुक्यांस ऑफ वेंगी, द पांड्यास ऑफ मदुराई एंड द गंगस ऑफ मैसूर, सबको हराया। किसको किसको हराया? चालुक्य ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्यों को हराया, पांड्या ऑफ मदुराई, मदुराई के पांड्यों को हराया, और मैसूर के गैंग्स को भी हराया, ठीक है, गंग जिनको बोला जाए, गंग्स को भी हराया। ही वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड लंका एंड ऑक्यूपाइड कॉन्करेट इट्स नॉर्थन पोर्शन। मतलब ये तो श्रीलंका भी चले गए, हनुमान जी हो गए भैया, ठीक है, ये क्या हो गए, हनुमान जी भी हो गए, कहाँ चले गए, श्रीलंका चले गए, और वहां से भी क्या गया, नॉर्थन पोर्शन को कैप्चर कर लिया, नॉर्थन पोर्शन को कैप्चर कर लिया। तो बताओ बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो बहुत इजी वे में आपको पढ़ा रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, बस यही मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बड़े आराम से समझ में आ जाए, ठीक है मेरे बच्चों। चलो आगे देखो, आगे की बातें करते हैं, आगे क्या है चीज़ें, स्टोरी क्या है। कह रहा है राजेंद्र चोला वॉज ऑल्सो एन एबल वॉरियर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लाइक हिज फादर। जो राजेंद्र चोला था वो क्या था, वो भी बिल्कुल अपने फादर जैसा था। ही वेन वेंट अप बंगाल एंड कैप्चर सम एरियाज ऑफ गंगा रीगन। वो कहाँ गया, बंगाल गया, और बंगाल में कुछ एरियाज को कैप्चर किया जो कहाँ थे, गंगा रीगन में थे, ठीक है। चलो आगे देखो, हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, इसका जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो क्या था, कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अरे मेरे बच्चों, ये अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड चला गया, मतलब जिसने अभी तक सोचा नहीं था वहां जाने के लिए वो वहां भी चला गया, तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या है, बहुत ज्यादा फेमस होना चाहिए, ठीक है। ही ऑल्सो कंप्लीटेड द कंक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका बाय द डिफीटिंग द लंकन किंग एंड क्वीन इन अ बैटल। मतलब श्रीलंका को भी जीत लिया। श्रीलंका रिमेन्ड अंडर द चोलाज रूल फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। द मालदीव, आइसलैंड एंड सुमात्रा एंड अदर प्लेसेस वॉज ऑल्सो सब्जेक्टेड। अरे सोचो भाई, यानी अभी तक जितने भी किंग आए, जितने भी राजा आए, वो केवल और केवल लैंड एरिया को कवर करते थे, लेकिन ये जो राजा आया वो लैंड एरिया को तो कवर किया ही किया, साथ में जो आइसलैंड एरिया थे, मतलब जो समुद्र के बाहर के एरिया थे, उनको भी कर लिया, यहाँ तक श्रीलंका को भी कैप्चर कर लिया, ठीक है। मतलब कह सकते हैं ये हमारे कलयुग के हनुमान जी हैं। ओके, अगला क्या टॉपिक, क्या बच्चे अगला टॉपिक देखो, इंस्पेक्शन ऑफ द फॉरेन ट्रेड्स। अब फॉरेन ट्रेड का जो एक्सपेंशन हुआ वो कैसे हुआ, द चोलाज एक्सीट इन फॉरेन ट्रेड्स एंड मर्शियल एक्टिविटीज एक्सटेंड दियर इन्फ्लुएंस ओवरसीज टू चाइना एंड साउथर्न एशिया। मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा पहले जो ये ट्रेड होता था वो चाइना तक के साथ होता था, ठीक, एशिया तक के साथ होता था, कैसे होता था, ये इसी के रूप से होता था, ठीक है। आगे देखो, मैक्सिमम मैंने सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज आपको हाईलाइट की हुई है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, उस समय क्या था, द चोलाज रूलर कंक्रीट मेनी टैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग द पीजेंट ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। ये लोग टैंक में पानी भर भर के ले जाते थे, ठीक है। रिवर कावेरी एंड इट्स चैनल वर यूज टू इट्स पर्पज, इफेक्टिव वर मेड ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट ऑफ चोलाज रूलर ऑल्सो टुक अप एस्टैब्लिशिंग सर्वे ऑफ इंडिया इन अदर इन ऑर्डर टू फिक्स द गवर्नमेंट शेयर इन द लैंड रिवेन्यू। मतलब नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा रिवेन्यू उनको दिया जाता, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ, मे भी साथ चीज़ें कट रही हैं, चलिए अभी चीज़ें नहीं कट रही होंगी, लेट मी सी वंस टाइम, ठीक है, चीज़ें थोड़ा सा, ठीक है बच्चों, चीज़ें सही हैं, ठीक, मैं इसको इससे कर देता हूँ ज़्यादा अच्छा। फिर क्या हुआ, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नेचर कैसा था भाई, द ईज ऑफ द चोलास, द होल ऑफ साउथ इंडिया, द होल ऑफ साउथ इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट अंडर अ सिंगल गवर्नमेंट। यानी बहुत टाइम बाद क्या हुआ, ये सब सिंगल गवर्नमेंट में है। When a serious attempt was made to face and solve the problem of public administration, Tanjavur and later Gangikondachalampuram, Gangi, देखो थोड़ा सा वर्ड बड़ा है समझना, इसको अलग अलग पढ़ के पढ़ो, Gangikondachalampuram were the imperial capital, ठीक है, पढ़ना भी नहीं आ रहा है यार बच्चों, ऐसा गंदा गंदा नाम है। However,
बोथ कच्चीपुरम एंड मदुराई वॉर कंजुगेट ब्रिगन कैपिटल इन विच ऑक्यूजनल कोर्ट फॉर द हेल्ड। फिर क्या हुआ, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है मेरे बच्चों, द किंग वॉज सुप्रीम कमांडर, जो किंग था वो क्या था, सुप्रीम कमांडर था, मतलब उसी की बात मानी जाएगी। ऑल अथॉरिटी वॉज हिज हैंड, सभी अथॉरिटी उसके हैंड में थी, जिसको चाहे जो पनिशमेंट दे दे। द चोलास मेंटेन अ ह्यूज आर्मी विथ एलिफेंट्स कवरली एंड इनफर्टली एज दीज लिम्स। ठीक आगे क्या हुआ, ठीक है, चोलास ऑल्सो हैड द स्ट्रॉन्ग नेवी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग नेवी थी विच डिनोमिनेटेड द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल ऑफ द साउथ इंडिया एंड सम टाइम द इंटायर बे ऑफ बंगाल अ पावरफुल बॉन्डकेंसी अगेंस्ट द किंग इन टैक्स द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन एक्सिक्यूटिव इज ऑर्डर। थर्ड क्या आता है बच्चों, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, इन यहाँ पे क्या कंडीशन थी देखते हैं प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू नंबर ऑफ प्रिविलियंस कॉल्ड मदलरम। ठीक है, जो पूरा प्रिविजन था वो डिवाइड था किस में, छोटे छोटे मंदलम्स में। वर्ड चेंज वर यूजली गिव अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, जिसका चार्ज किसे दिया जाता था, किसी न किसी रॉयल फैमिली को चार्ज दिया जाता था। मंदलम्स आर डिवाइडेड इन टू कोट्टम आर वलगंडू, ठीक है, विच वर फर्दर डिवाइडेड इन टू नोड्स, इच नोड्स कंपनीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ विलेज। समझना इसको बात को, बड़ी अच्छी बात बोला, इसको मैं समझा देता हूँ ऐसे। मतलब ये क्या हुआ कि पहले जो एम्पायर था, देखो एम्पायर को डिवाइड किया इसने, एम्पायर को डिवाइड किया इसने किस में, एम्पायर को डिवाइड किया मंदलम में, मंदलम्स में। अब ये मंदलम क्या हो गया, डिवाइड हो गया छोटे छोटे बहुत सारे, यहां मैं लिख रहा हूं मंदलम डिवाइड हो गया किस में, मंदलम डिवाइड हो गया आपका कोट्टम या फिर वलंगडू में। तो मैं यहाँ कोट्टम में लिखता हूँ, कोट्टम में डिवाइड हो गया। ठीक, अब इस कोट्टम को डिवाइड कर दिया किस में, डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया नाडुस में। ठीक है, तो आपने देखा इन छोटे, इन सबको क्या छोटे छोटे चीजों में डिवाइड करते चले गए। लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे जो ग्राम थे, एवरी विलेज आ ग्राम वॉज सेल्फ गवर्नेड यूनिट, जैसे अभी ग्राम पंचायत होती ना, बिल्कुल वैसे यहाँ पे ये प्रोसेस पहले ही आ गया था। ठीक, देखिए द टेम्पल आर्किटेक्चर एंड ब्रॉन्ज स्क्रप्चर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखो द चोलास किंग विल टेम्पल, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो चोलास हैं ये टेम्पल के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने बहुत से टेम्पल बनाए थे। ठीक है, किस बिल टेम्पल एंड द इंडो वॉल्ड देम विद ग्रेट वेल्थ। The temple acted not only a place of worship but also a certain of economic activities. Normal सी बात है भैया, temple है तो यहाँ पे लोग, बहुत से लोग आएंगे और बहुत से दान देंगे, तो कहीं ना कहीं ये इसके लिए क्या था, एक revenue का, एक कह सकते हैं revenue generate हो सकता था। The Cholas ruled often inscribed details of their achievement on the wall of the temple. अभी चोलास क्या करते थे, जो अपने अचीवमेंट होते थे वो दीवारों पे लिखवा देते थे, जैसे आज हमें मिलते हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी नो अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट द चोलास दैट द डायनेस्टी दैट कम बिफोर इट। ठीक है, जिससे पहले डायनेस्टी आई थी उसके बारे में हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन चालुक्य चोलास के बारे में क्यों इतना नॉलेज है, इसीलिए नॉलेज है क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इंस्क्रिप्शन एज अ सोर्स ऑफ रिसेंटिंग रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री, जो इंस्क्रिप्शन मिले, इंस्क्रिप्शन मतलब जो निशानियां मिली, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ द स्टोन इंस्क्रिप्शन बाय द चोलास देमसेल्फ एंड बाय देयर रिवरल किंग्स पांड्यास एंड चालुक्यस एंड कॉपर प्लेट्स ग्रांटेड ग्रांट्स हैव बीन इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्शन द हिस्ट्री ऑफ द चोलास ऑफ द पीरियड। यानी ये सारे जो चीजें मिली उन चोलास के बारे में बताते हैं। द क्वालिटी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ द रिगैन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन, जो इसके क्वालिटी क्वालिटी है वो बताते हैं कि इस टाइम का जो एजुकेशन सिस्टम था कितना अच्छा था इन द सोसाइटी। एज एन टेक्स्ट द टेक्स्ट इन दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन बाय द कोर्ट पोएट एंड द इनग्रेव बाय द टैलेंटेड आर्टिस्ट, मतलब जो इसके इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे वो कोर्ट पोएट द्वारा लिखे जाते थे,
इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरम मरेयू इन छपतपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु हैव एल्ड इम्पोर्टेंस डिटेल ऑफ द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड. दीज वर सेपरेट कमिटी विद इन द सभा टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क गार्डन टेम्पल इटीसी. तो बच्चे यहाँ पे आपको जो कुछ आपको दिख रही है, जैसे आपका ये आपको दिख रहा है, ठीक है, थिंग्स बिलोंगिंग टू द चोलास पीरियड दे आर वैल्यू सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. जैसे ये देखो, ये टेम्पल है, ठीक है, ये टेम्पल बड़ा फेमस है. ये नटराज की मूर्ति, ये भी बड़ा फेमस है, ठीक है. अब ये पता नहीं साइड वाला क्या, मुझे कुछ नहीं पता. ठीक, टाइमलाइन के बारे में देख लेते हैं बच्चे. देखो टाइमलाइन है, मेडिवल चोलास हैं, तो 848 से 871 एडी तक विजयालय चोलास रहे. उसके बाद 71 से 907 एडी तक आदित्य फर्स्ट आए. उसके बाद 950 तक परतनाटका चोलास फर्स्ट आए. उसके बाद आपका 957 तक गांधराज द्वितीय. उसके बाद अरिज्या चोलास, सुंदरा उत्तमा, राजेंद्रा, राजेंद्रा फर्स्ट, राजेंद्रा राज चोलास, राजेंद्रा चोलास सेकेंड, फिर आए वीरा राजेंद्रा चोलास और फिर लेटर चोलास. ठीक है, मतलब इनका जो टाइमलाइन चला 848 से चल के कहाँ तक आया, 1279 तक आया. इसके बाद खत्म हो गया चीज़ से. इंटरेस्टिंग फैक्ट में हम बात करते हैं. देखो, फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑफ द राजधिराज राजाधिराज, इट इज द एविडेंट दैट राजाधिराज रूल्ड इन फुल रीगन स्टेटेड इन द लाइफ टाइम ऑफ हिज फादर. ही वॉज मेड को रिगार्ड रिगेंट वेरी अर्ली इन 1880 फॉर द डे ऑनवर्ड. फादर एंड सन रूल टूगेदर एंड शेयर्ड हिज बॉन्डेड ऑफ द एम्पायर. राजेंद्र राज वॉज एट द फोर फ्रंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फादर्स मिलिट्री कंपेनी. कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं. जैसे जो 18 से 13 तक सेंचुरी में हुए जो जो इवेंट थे उनके बारे में, तो 8th सेंचुरी एडी में इवेंट हुआ बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. 8th सेंचुरी में किसका बिगनिंग होता है बच्चों, मेडिवल पीरियड इंडिया का होता है. 8th से 10th सेंचुरी में क्या होता है, त्रिपटी स्ट्रगल एमंग द प्रतिहार पाल्स एंड राष्ट्रकूट. जैसे मैंने बताया 200 सालों तक इनका वॉर चला था. 712 एडी में अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है. फिर 1001 से 1026 तक आपको पता है इन्वेंशन ऑफ मोहम्मद गौरी. जो भारत कितनी बार आया, 17 टाइम्स भारत आया और सबसे ज़्यादा लूटपाट की. अच्छा, सबसे ज़्यादा लूटपाट पूछा जाए, सबसे ज़्यादा लूटपाट कहाँ किया, तो इसने सारनाथ मंदिर में सबसे ज़्यादा, सारनाथ टेम्पल में सबसे ज़्यादा लूटपाट की थी. सारनाथ टेम्पल में सबसे ज़्यादा लूटपाट इसकी हुई थी. फिर 1991-1992 में क्या हुआ, बेटर ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था. पहला पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरा मोहम्मद गौरी जीत गया था, ठीक है. 1206 एडी में एस्टेब्लिशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था. जो क्या था, स्लेव था किसका, मोहम्मद गौरी का स्लेव था, ठीक. कुछ ब्रीफ पॉइंट जो चीज़ें हमने पढ़ी उसको हम ब्रीफ में देख लेते हैं क्या है. आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन इन 640 एडी A number of small kingdom comes up in the North India ruled by the Samant. फिर क्या हुआ, the period was making a prolonged territories struggle among the three major new rulers जो थे आपके, मैंने बताया three parties के बारे में, उनके बारे में. All the three dynasties tried to gain control of her capital city Kannauj. सभी से सभी क्या चाहते थे, Kannauj को capture करना चाहते थे. Main क्या हुआ, the several kingdom of central and western India, the ruler called themselves the Rajputras or Rajputs bolta jata hai unko. Fir kya aaya bhaiya, the adoption of lofty leaders like Suryavanshi and Chandravanshi are Angrikula, the first state of the Indian subcontinent to become a target of the Muslim invasion was Sindh. Aapko pata hona chahiye ki jo pehla jo target bana wo kya tha, Sindh tha. Kyun tha, however after Multans the Arab could not friendly further into India. ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी द सन ऑफ सुबक्तगीन रूल्ड गजनी फॉर मोर देन 37 ईयर एंड इन्वॉल्व्ड इंडिया सेवरल टाइम्स शॉर्टली टू प्लंडर इट्स वेल्थ. मतलब यहाँ के चीज़ों को लूटने आया था. बिटवीन द ईयर 1175 to 79 एडी मोहम्मद गौरी अटैक द कैप्चर इंडिया प्रोविंस इन द नॉर्थन ऑफ इंडिया एंड एस्टैब्लिशिंग हिज पॉलिटिकल रूल ऑफ द वेल एज एस्टैब्लिशिंग इस्लामिक देयर. यानी यहाँ पे अब इस्लाम का स्थापित करने चला आया था. मोहम्मद गौरी डिफीटेड द राजपूत
confidently led by the Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain, but he was killed soon by the rebel in Punjab. His tribal territories passed under the control of Qutbuddin Aibak. He brave general who founder of Delhi Sultanate in India. The Cholas dynasty rule rose of province with when in 1850 AD in it was founded the Vizyalaya of the Uraiya. The most important Cholas ruler was Rajendraj Pratham, Rajendraj Yafe Great, and Rajendraj First. In the age of the Cholas, the whole of South India was for the first time brought under a single government. First time ऐसा हुआ था कि single government आई थी. Under the Cholas, the trade and the martial activities, floorship and agriculture expanded. The last topic है आपका क्या है? It was end of the cultural greatness when impression thumbnail was built. कुछ ऐसे टॉपिक आए थे जिनके बारे में जानना जरूरी है बच्चे. क्या था पहले? आया था त्रिपटीज, मतलब ट्रायंगुलर, मतलब तीन लोग थे, गुज्जर प्रतिहार और राजकोट. पाल, गुज्जर प्रतिहार और राजकोट, तीनों में वॉर हो रहा था. सामंत क्या था? ये सबॉर्डिनेट चीफ होते थे. इन्वेंचर क्या थे? ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन होता था. और प्रिंसिपल पॉलिसी क्या होता था? एक कंट्री रूल्ड बाई अ प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंस, जहाँ प्रिंस कैपिटल करता था. तो बच्चों देखो, यहाँ पे आपका चैप्टर होता है फिनिश. तो सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में देखी है, इसके वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है. आप लोग करिएगा, वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिएगा, यानी उसमें टाइम दिया रहता है, टाइम आप ज़्यादा करें कब करें, आप उस टाइम को कर लीजिएगा, उससे वीडियो देखिएगा, तो बहुत ही आसानी से आपको सारा वीडियो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाई जाएँ. अगर अभी भी कुछ टॉपिक रह जाता है जिसको मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ आप तो बोलिए, तो उसके लिए सॉरी गाइज. और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक नए टॉपिक के साथ. और हाँ बच्चों, बाकी जो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं उसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हो. चलो फिर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय बच्चों. जय हिंद दोस्तों.